In the class, 60% of students are girls and the rest are boys. 45% girls pass an examination and 40% of boys failed. If the number of girls who failed is 66, the number of boys who passed in the examination is? Okay, तो हम लोगों क्लास में जो कितना 60% ऑफ द स्टूडेंट में गर्ल्स है, तो गर्ल्स है 60%, तो ऑब्वियसली बॉयज़ कितना होगा 40. ओके, अब बोल रहा है यहाँ से 45% गर्ल पास, तो 45% गर्ल क्या हुआ, पास कितना हुआ, 45% गर्ल कितना हुआ पास, तो फेल कितना हुआ होगा, ऑब्वियसली 55 हुआ होगा, तभी तो 100 का रेशियो बन रहा है ना. और बोल रहा है एंड 40% बॉयज़ वेर फेल्ड, तो फेल्ड कितना है बॉयज़ में, 40% बॉयज़ जो है फेल है, तो पास कितना हुआ होगा, ऑब्वियसली 60 हुआ होगा, तभी तो 100% का रेशियो बना ना. तो इतना समझ में आ गया क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ये. अब क्वेश्चन में फिर से बोल रहा है इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल हु फेल्ड इज 66, सो जो ये फेल्ड हुआ है वो कितना है 66, तो कितना 60 का 55% ना इक्वल टू कितना है 66 है, तो फाइंड कीजिए कैंसिल करके, 11 5 11 6, 0 0 कैंसिल, 5 1 5 5 2 10, 2 1 2 2 3, 3 यूनिट का वैल्यू कितना आया 6 आया, तो सिमिलरली मेरा 1 यूनिट का वैल्यू कितना आएगा 2 आएगा. ओके, इतना पता चल गया 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2 होगा, तो डैट मीन 60% का मतलब 120 लड़की है, 40% का मतलब 80 लड़का है, मतलब डबल हो रहा है सब में, 1 यूनिट का वैल्यू 2 है ना, इसीलिए. क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है द नंबर ऑफ बॉय हु पास इन द एग्जामिनेशन, पास कितना हुआ, तो बॉय पास कितना हुआ 60% पास हुआ, तो 60% पास हुआ बॉय कितना, तो 80 का 60% हुआ ना, तो टोटल बॉयज़ तो 80 है, 80 का 60% बॉय पास हुआ, तो 80 का 60%, 0 0 0 0 6 6 36 6 7 48 48, सो 48 बॉयज़ होगा मेरा आंसर. सो थैंक यू.